नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हम कैसे टेबल्स में हम खुद का स्टाइल तैयार कर सकते हैं। तो उसी टेबल सेक्शन को हम पार्ट थ्री उसके जो फाइनल पार्ट है उसकी तरह प्रोसीड करता हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि टेबल में हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशंस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशंस होगी टेबल में वो एक सिमिलर वे से होगी जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम करते आए हैं आज तक। तो चलिए उसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर वन रखा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा टू, देन फर्दर आगे प्रोसीड मैं करूँगा 3, 4, 5, 6, तो ये काउंटिंग मेरी थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक किया, जैसे इसको मैं पहले टॉप राइट कर देता हूँ, देन शिफ्ट यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा एंड सेकंड वाला सेल सेलेक्ट करूँगा, देन यहाँ पे कॉर्नर को उसको ड्रैग करूँगा जहाँ तक मेरे को काउंटिंग चाहिए होगी। तो ये मेरी जो काउंटिंग है ये खुद ब खुद यहाँ पे इसको लिख देगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी सेल्फ काउंटिंग यहाँ पे आ गई। अब देखिए यहाँ पे इसको मेरे को मार्जिन जो है ये देखिए, मैं फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सेल, देन मैं 11th सेल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से अगर मेरे को इसकी जो अलाइनमेंट है ये सेंटर में चाहिए तो मैं पहले सारे सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं टॉप सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे मेरे सेंटर में आ जाएंगे। फर्दर नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ कैलकुलेशंस की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मेरे को निकालना है टोटल। तो टोटल किस तरह का, जैसे ये देखिए फर्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे प्लेयर है ये अभिषेक, तो यहाँ पे मैच वन का स्कोर कार्ड इसका देखा जाए तो 42, मैच टू में स्कोर है 56 एंड थर्ड में 156। तो सेम चीज़ यहाँ पे टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, सेल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से फॉर्मूला पे जाके मैं यहाँ पे सम एवरेज काउंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सम चूज़ करता हूँ, देन मेरे को यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे एंटर करना होगा, तो यहाँ पे मेरे पास एडिशन हो जाएगी। सेकेंड वे, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे खुद यहाँ पे आपको फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा, इक्वल टू देन ब्रैकेट सॉरी इक्वल टू सम, यानी कि जो कमांड आपको यहाँ पे देनी है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट। जैसे कि मैं सम करना चाहता हूँ, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन मैं यहाँ पे सेल नंबर दूंगा। तो मेरा सेल नंबर यहाँ से लेकर मेरे को 42 से लेकर मेरे को 156 एडिशन करनी है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा फर्स्ट सेल नंबर है ये है C3, यानी कि सेल एड्रेस क्या है C3। तो यहाँ पे मैं दूंगा C देन 3, यानी कि फर्स्ट आपको कॉलम देना है एड्रेस, देन आपको रो का यहाँ पे ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे पहले कॉलम का आपको एड्रेस ऐड करना है, देन रो का एड्रेस ऐड करना है, देन आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का सिंबल डालना है रेशो का, देन यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है। अब देखिए मेरे को 150 से यहाँ तक मेरे को ऐड करना था, तो इसका जो सेल एड्रेस है वो क्या बनेगा मेरा ई, यानी कि फर्स्ट कॉलम का, देन मेरे पास यहाँ पे रो का E3, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर, और यहाँ पे मेरे पास सम है वो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 254। तो फर्दर नेक्स्ट, अब देखिए अगर मेरे को नीचे वाला भी ऐड नीचे वाला करना है, तो अगर आपके पास सिमिलैरिटी है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम है वो मेरे पास सेम एड्रेस, जैसे यहाँ पे अगर C3 है तो ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, वैसे ये E3 है, E4 है, E5 है, E6 है, अगर ये सिमिलैरिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, सेल को पहले सिलेक्ट कर ले फर्स्ट सेल को जहाँ पे आपने फॉर्मूला पहले का यहाँ पे आपने ऐड किया हुआ है, तो और आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके इसको आप ड्रैग कर लेंगे वहाँ तक जहाँ तक आपको रिजल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लास्ट है यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और जितने भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज है सब की सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगी उसी सिमिलर मैनर से जिस सिमिलर मैनर से आपने फर्स्ट वाले को यहाँ पे ऐड किया है। देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए सम C3 E3, सेकेंड भी क्लिक करता हूँ C4 E4, थर्ड भी करता हूँ C5 E5, ये देखिए आप, यानी कि सिमिलर मैनर पर ये इसको ऐड कर देगा। तो इस तरह से मैं चीजों की एडिशन कर सकता हूं। फर्दर नेक्स्ट में यहां पे मैं एवरेज निकालना चाहता हूं, तो मैंने आपको यहां पे इसका फॉर्मेट बता दिया हुआ है, वही सेम चीज इक्वल टू एवरेज देन ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस दे दीजिए C3 देन रेशो का साइन
E3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए ये मेरे पास एवरेज यहाँ पे निकल चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 42 प्लस 56 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 3, ये देखिए 84.66, ये देखिए 84.66। तो इस तरह से आप एवरेज में निकाल सकते हैं। सिमिलर मैनर से अगर ये चीज़ें आपके पास सेम है तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लूँगा और यहाँ पे मेरे पास एवरेज यहाँ पे निकल चुकी है सभी के सभी प्लेयर्स की। तो इस तरह से मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। फर्दर नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या मूव करता हूँ, अब मान लीजिए मेरे को इस सभी की सभी जो रोज है इनको ऐड करना है, यहाँ पे इनका रिजल्ट निकलना है सिमिलर मैनर से इक्वल टू सम। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका एड्रेस दूंगा, इसका एड्रेस क्या हुआ 42 का C3, देन रेशियो का सिंबल, देन मेरे पास आएगा C11। ये देखिए इस बार आएगा C11, क्यों, क्योंकि मेरे को 15 का एड्रेस देना है C11। क्लोज देन एंटर। ये देखिए मेरे पास जो है मेरे पास एडिशन यहाँ पे हो चुकी है। फर्दर अगर वही सेम चीज़ ये C3 है फर्स्ट वाला C, देन नेक्स्ट यहाँ पे D3 है, E3 है, देन यहाँ से C11, D11, E11 अगर सिमिलैरिटी है आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ से समिशन कर सकते हैं इस तरह से। फर्दर अगर फर्दर नेक्स्ट समिशन करनी है वो भी कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ से सबके सब यहाँ मेरे पास एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल ये देखिए मेरे पास रिजल्ट यहाँ पर रेडी है। तो लास्ट में मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपके पास ये नंबर ऑफ प्लेयर्स है यहाँ पे, अगर आप काउंट करना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पे तो मैंने सीरियल नंबर लिख के तो यहाँ पे कर दिया, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती है आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी है, तो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस दे दीजिए A3, देन लास्ट वाला देना है क्योंकि 9 नहीं है, ये मेरे पास सेल एड्रेस ये होगा तो A11 एंटर। ये देखिए मेरे पास 9 प्लेयर यहाँ पे रेडी हैं, काउंट होके यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो ये इस बात का आपको खास ध्यान रखना है जब आप सेल एड्रेस यहाँ पे डाल रही होगे। तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फर्दर नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करवाया, आप विदाउट फार्मूला यहाँ पे यूज करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला भी चाहिए, एवरेज चाहिए सेलेक्ट कीजिए वो भी कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशंस जैसे हम यहाँ पे एक्सेल में हम खुद से इक्वेशन डालते हैं वैसे भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाली इक्वेशंस तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद का एड्रेस डालिए वो बेस्ट रहेगा। तो एक तो सिंपलिसिटी है, ऊपर से क्लैरिटी रहेगी चीज़ों की। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम ब्लॉक्स के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।